हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त मिनू सैन। मुझे आप डेफिनेटली जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त दानिया राजपूत। आप देख रहे हैं मुजम्मिल एंड दानिया रिएक्शन चैनल। सो एक मरतबा फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं जी। एक ऑफिशियल मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर आ गया है, ऑफिशियल ट्रेलर। और ये एक पाकिस्तानी मूवी है जी, लंदन नहीं जाऊँगा और मौला जट के बाद ये मूवी आ रही है जी। और इसका ट्रेलर आ चुका है, इसका नाम है जी टिच बटन। और इसमें होने वाले हैं फरहान सईद, फिरोज खान, ईमान अली और सोनिया हुसैन। और ये YouTube में ट्रेंडिंग नंबर 7 पर ये ट्रेंड चल रहा है, तो मतलब काफी तरक्की हो रही है पाकिस्तान के अंदर भी यार। आप मतलब भाई देखें, पिछले दो तीन महीनों में ना काफी मतलब मूवीज आ चुकी हैं। दो तीन महीने ना गए आप, ये एक मौला जट भाई है, जाके चार साल पांच साल पता नहीं है बंद पड़ी हुई। बंद नहीं है ये, एक ये भाई है, एक उसके बाद आई लंदन नहीं जाऊंगा, एक उससे पीछे आई है कायदा जिंदाबाद। वो दोनों ईद पर ही आई है, तो इतने तीन चार महीने पूरी बात करो मैं, इतने टाइम में ना इंडिया में 20 फिल्में आ जाती है भाई। वो इंडिया की बात कर रहे हैं, वो आप इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में एक चीज होती नहीं थी, वो अब हो रही है भाई। आप बहुत अलग ट्रैक पे जा रहे हो, नहीं आ रहा मैं ओ भाई, आप अलग ट्रैक पे जा रहे हो, हमें इस बार इसी के ऊपर बात करनी है। आप अलग ट्रैक पे जा रहे हो, उस पर बात नहीं कर रहे, एक गलत साइड पे बात देखिए। तो आप इसको छोड़ें, 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 उस बात को छोड़ें, अब इसी बात करते हैं। टिच बटन ये अभी ट्रेंडिंग नंबर 7 पे जा रहा है, तो अभी टिच बटन क्या चीज है मेरे को समझ नहीं आ रही। टिच बटन या टिच बटन एक बटन होता है, हां टच बटन होता है, उसके मतलब एक साइड पे मेल और फीमेल बटन होता है, तो उसको जोड़ देते हैं और ये टिच बटन कंप्लीट हो जाता है। सो लड़का लड़की को टिच करने वाले हैं, बटन बनने वाले हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला है, ये गलत इशारा मत समझिएगा आप। तो मैं कह रहा हूं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं अपने वीडियोस की जरा, लेट्स गो। गला साफ कर लो बेटा। अच्छा जी, जान से प्यारी शकीला। स्टार्ट अच्छा, चुप है, आगे बढ़ो। ये तो मौला जट शुरू हो गई। ओ जट आवे तेरे का हर पाग तू को, ये कोठे जिन्ना लम्मा हो गया, सारों के आगे नाच नाच के तमाशा लगाई रखता है। नरासी ना होए तू, कमी बच्चा। तारे सुन सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई का ताना मुझे कोई ना दे। साकिब ने मैट्रिक कितने सालों में पास किया है? सिर्फ 2 साल। और मैंने 4 साल में। तो ज्यादा पढ़ाइयाँ किसने की? काका साहब ने। साफ लगाने से काका बड़ा कोई इज्जत वाला नाम बन जाता है। जैसे तेरे नाम टैटू दीनी उते बनाया, होना कोई नहीं तेरी जैसी साल दा। जिस आदमी को नौकर और वर्कर में फर्क नहीं पता है, उसके साथ में काम करना भी नहीं चाहती। आखिर साक भी है ना जो बाहर अफसर लगा हुआ है। आलू का पराठा मैम। गोरे गुलामी करते हैं उसकी, पता नहीं कितनों ने पैसा कितने बच्चे लंबे थी मीम। वो इतनी बेकरारियाँ, निकल आने दो ना सितारे, हम भी चंचल। कमीने, तुझे शर्म नहीं आई? तूने भाई को उठा के मीठा ही बना दिया। अब देना वो स्टेटस, क्या डाल रहा था तू? फीलिंग लवली। तेरे और लीना में मुझे कोई आशिकी मशूकी वाला करंट दौड़ता नजर नहीं आता। वलैती लड़की है तो यहाँ की कोई पिंड की लड़की नहीं है, जर वक्त यार बैठी हुई शर्माने मुस्कुराने। यहाँ पे सब कुछ इतना ऑर्गेनिक है, इतना अमेजिंग, इतना रियल, इतना प्यारा है कि तुझे प्यार हो गया पगली। एहसान है साहिबा ने भाइयों के पीछे यार मरवा दिया, तू ये भाई मरवा दे। यारों के भरम रखते हैं और उनके मान नहीं तोड़ा करते हैं। गिला ये नहीं है कि मेरे भाई ने मेरी कमर पे छुरा घोंपा है, बल्कि गिला ये है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया। सब कुछ मैंने तेरे प्यार में किया था। जो यार का ना हुआ वो भला प्यार का क्या होगा? जीते जी खून का रिश्ता तो तेरे साथ तोड़ नहीं सकता, दिल का रिश्ता टूट गया।
क्या बात अच्छे के लिए होता है भाई शकीला इज अ वेरी जेंटलमैन लेडी यार जेंटलमैन लेडी उस लड़की को दूसरे लड़के से प्यार हो जाएगा उस लड़की को दूसरे लड़के जब उनको पता लगेगा वो दोनों दोस्त आपस में लड़ेंगे दोस्त नहीं है भाई भाई मेरे को लग रहे हैं दोस्त तो नहीं लग रहे भाई लग रहे हैं भाई छोटा बड़ा भाई लग रहा है कि बड़ा भाई बाहर गया हुआ है छोटा भाई इधर है यार उसने कहा यार मरा दे यार मराने से मतलब यार भरा यार ही होंगे और की होंगे जो यार का ना हो सका जो भरा का ना हो सका मुझे भाई साहब दोस्त लगे हैं मुझे नहीं दोस्त लग रहे मुझे कमल भाई को पता है सिनेमा में ये मूवी आ रही है जी 11 नवंबर को और स्टोरी बहुत ही कमाल की है और इसमें मेरे हिसाब से थोड़े से बोल्ड ड्रेसेस यूज किए गए हैं जी गानों के अंदर ही मैं भी बात कर रहा हूँ लड़कियों ने बोल्ड ड्रेसेस थोड़े यूज किए हैं और मतलब ठीक है यार होना चाहिए तो ये मतलब मेरे को अच्छी लगी है और एक न्यू स्टोरी आ रही है और वैसा ट्रेलर इन्होंने दे दिया था जी 3 मिनट और 5 सेकंड का बड़ा कमाल का ट्रेलर था अगर आपने ये ट्रेलर देखा इसका लिंक मिलेगा आपको माय डिस्क्रिप्शन में अगर दूसरी बात करूं तो इसका एक दो साल से आप पीछे दे सकते हैं इनके टीजर आ चुका था 2-3 साल पहले अगर आप सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगा मतलब टीजर कह सकते हैं या फिर शॉर्ट कह सकते हैं मतलब अभी अगले लंबी प्लानिंग और काफी टाइम बाद आ रही है मैं वही बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में बहुत ही ये डिले कर देते हैं ये चीजें डिले भी की है लेकिन भाई साहब कंटेंट अच्छा दे रहे हैं स्टोरी भी अच्छी है और मतलब इसमें तो ग्राफिक्स भी थोड़े अच्छे लगे हैं कि हाँ भी सही यूज किए ग्राफिक्स सो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसका लिंक मिलेगा आपको माय डिस्क्रिप्शन में स्वामी दीदी वहाँ पर जाकर ये ट्रेलर देख सकते हैं लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।